अनुपम खेर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो फिल्म कागज 2 के सेट पर डायरेक्टर सतीश कौशिक का हेड मसाज करते हुए नजर आए। दिया मिर्जा ने हाल ही में उद्धव ठाकरे के लिए ग्रेटिट्यूड पोस्ट शेयर किया था। दिया ने लिखा था कि लोगों और प्लैनेट का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, जिस पर द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने रिएक्ट किया है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिया मिर्जा के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा, दिया से सवाल किया कौन सा प्लैनेट, साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं वो बॉलीवुड प्लैनेट की बात तो नहीं कर रही हैं। एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का पिछले साल निधन हो गया था। अब उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी के मौके पर मंदिरा ने राज की फोटो शेयर कर बताया कि उन्होंने राज की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर 2 दिन का प्रेयर मीट रखा है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड के माहौल और डायरेक्टर्स के काम को लेकर एक बात अपनी अपनी राय रखी। अनुराग कश्यप ने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म बनाते समय डर लगता है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। एक्टर आदित्य रॉय कपूर की फिल्म राष्ट्र कवच ओम को मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। आदित्य रॉय कपूर पहली बार धांसू एक्शन अवतार में पेश करती हुई फिल्म देशभक्ति से पूरे उफान पर है। एक्ट्रेस हेली शाह और एक्टर ताहा शाह बदूशा का नया गाना लॉन्च हुआ है। गाने का नाम हमको ना मोहब्बत करने दें, जिसको लेकर दोनों प्रमोशन में बिजी हैं। एक्टर आयुष्मान खुराना को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। आयुष्मान खुराना ने जैकेट और पैंट कैरी किया हुआ था। टीवी एक्टर राकेश बापट को मुंबई के जुहू के स्टारबक्स में देखा गया। राकेश ने ऑरेंज कलर का कूल सा जैकेट कैरी किया हुआ था।